नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हमारे साथ मौजूद है अशोक दयाराम रस्तोगी। इनकी अपनी कुछ समस्या है, हम आपको इनसे बात कराएंगे, अभी मालूम पड़ेगा क्या है। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि वसई विरार महानगर पालिका में फेरी वाला हाथ गाड़ी दौरन कुछ है नहीं और मनमाना कारोबार होता है यहाँ। आज ये जो विषय है, ये गंभीर भ्रष्टाचार का विषय यहाँ सामने आया है। ये खुद भ्रष्टाचार के शिकार जो है वो मौजूद है, ये अपनी ज़बानी पूरी बताएंगे। मामला है वसई प्रभाग समिति आई का, जहाँ पर इनको हाथ गाड़ी का लाइसेंस देने के नाम पर 10,000 रुपये इनसे लिया जाता है, ये इनकी शिकायत है। और उसके बावजूद भी हाथ गाड़ी का लाइसेंस इनको नहीं दिया गया, और जो दिया गया वो लाइसेंस किसी और के नाम का दिया गया। हम मुलाकात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी अशोक रस्तोगी। रस्तोगी जी, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ सर, जो हमको लाइसेंस नहीं मिला, लाइसेंस हमारा जो है ले लिए हैं, और जो है 10,000 रुपया लिए थे, बाथरूम के अंदर जाके लिए हैं। कब की बात है ये, कब हुआ था? ऐसा जब लॉकडाउन चालू हुआ था तभी तो है, जो गाड़ी लोग उठा रहे थे तो उसी में मैंने लालच में ले लिया था। आपने आपने पैसा किसको दिया, कब? आपके पास कोई ऐसा सबूत है पैसा दिया उसका? जी सर, सबूत तो 22 तारीख के बाद में मैं घर गया, जब उसके बाद में। तो आपने जो आप हाथ गाड़ी लगाना चाहते हैं जी सर, उसके बारे में लाइसेंस का कहाँ पूछताछ किया था? किसने आपको बोला कि लाइसेंस मिलेगा, हम आपको लाइसेंस देंगे, ये बात किससे हुई थी? विशाल से। कौन विशाल? विशाल जो काम करते हैं वहाँ ऑफिस में। अच्छा, और आपका ऐसा कहना है कि आपने 10,000 रुपये दिया जी, ये कब की बात है? अब सर, जब लाइसेंस मेरे को ला के वो करवा के दिए हैं हमको, तो वहाँ ले जाके बाथरूम में मेरे से पैसा 10,000 लिए हैं, फिर रिनो करवाया तो फिर भी 2,000 लिए हैं। आपको लाइसेंस दिया गया? एक बार लाइसेंस दिया गया तो लाइसेंस ले लिए, फिर ले लिया, फिर रिन्यू होने के बाद आपको लाइसेंस मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, लाइसेंस किसके नाम का है? लाइसेंस दूसरे नाम से, जायसवाल के नाम से। तो आपको ये नहीं पूछे कि मुझे मेरे नाम का क्यों नहीं मिला? वो बोले चलेगा, तुम टेंशन मत लो, आदमी है नहीं। अच्छा, आप बताएंगे ये, आप जो आपने कहीं शिकायत की है इस बारे में? नहीं सर, मैं नहीं किया, वो धमकी दे रहे थे, बोलते हैं पैसा भी नहीं दिए मेरा, और बोलते हैं भाई तो मारेगा खाले भोसड़ी वाले। सूरज जायसवाल के नहीं, वो कह रहे थे। जी, आपने कहीं पर शिकायत किया है क्या? जी सर, महानगर पालिका में किया हूँ। कब किया आपने? अरे हो गया सर, आज 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। तो आपकी शिकायत के ऊपर अभी क्या महानगर पालिका ने आपको जवाब दिया है? अभी कुछ नहीं, अभी मैंने जमा किया हूँ, अभी जो साहब बड़े होंगे वो नहीं थे, अब जो कहेंगे उन्हीं का बात मानूंगा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है लाइसेंस या तो हमको दे दीजिए या तो मेरा पैसा दे दीजिए। तो ये आप अभी आपने देखा, अशोक दयाराम जी से हम बात कर रहे थे, इन्होंने किस तरह से बताया कि इन्होंने हाथ गाड़ी लाइसेंस के नाम पर 10,000 रुपया 27/11/2020 को दिया। उसके बाद में वो 31 मार्च 2021 तक उसकी वैलिडिटी थी, 31 मार्च के बाद उसको फिर रिन्यूअल के नाम पर इन्होंने 2,000 रुपये दिया, और वो 2,000 रुपया लेने के बाद में इनको रिन्यूअल लाइसेंस मिला नहीं। जो लाइसेंस इनको दिया गया था वह किसी और के नाम का था, और जैसा इन्होंने अभी बताया कि उसमें उनका कहना यह था महानगर पालिका कर्मचारी का कि वो है नहीं, उसका लाइसेंस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा है, ये 27/11/2020 और 22/11/2021 ये एक साल के दरमियान में 12,000 रुपये इन्होंने महानगर पालिका में लाइसेंस के नाम का दिया है। उसके अलावा प्रतिदिन का जो पावती होता है, प्रतिदिन का जो रोज़ का पावती है वो अलग है, कभी आए कार्रवाई हुआ जब जब्ती होता है उस समय जो पैसा भरना होता है वो अलग है। यानी आप समझिए कि ये बाजार कर का वसई विरार महानगर पालिका में किस तरह का कारोबार चल रहा है। हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की, जो सच है वो दिखाया। आगे इस बारे में महानगर पालिका में जाके हम ज़रूर सवाल करेंगे, अधिकारी को पूछेंगे कि क्या है, उनकी वो प्रतिक्रिया लेंगे अगर वो देना चाहेंगे तो, और वो भी आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।